दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह। यदरा नीलम और ये सामने ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये मेरी बैक साइड पे इंडिया, मकबूजा कश्मीर दरिया के पल्ली तरफ, ये देखने। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बेशुमार दरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉयिंग रिटायर्ड लाइफ। लीजिए नाज़रीन, आठ मकाम से हम रवाना हो चुके हैं और अभी का प्रोग्राम यह है कि केरल की तरफ जाएंगे हम। सुबह का खूबसूरत मंजर, ये जंगल देखे, शुरू हो चुका है जंगल। स्टिल हमारे दाई साइड पे दरिया नीलम अपने तमाम तर हशर सामानियों के साथ रवा दवा है, बह रहा है। माशाल्लाह, सच कहते हैं कि जी असल खूबसूरती जो है, असल हुस्न जो है इस इलाके का, वो आठ मकाम से आगे शुरू होता है। और देखें ये दरख्त, जंगलात, ठंड है यहाँ पे काफी। रात को कंबल ओढ़ के सोए, कंबल ओढ़ के मतलब पंखे के बगैर। और ये सामने नीलम देखें, माशाल्लाह। सुबह सुबह का टाइम है, गाड़ी साड़ी कमी है, कोई नहीं है, इक्का दुक्का नजर आई है मुझे, रश नहीं है यहाँ पे। तो अच्छी खासी ठंड लग गई जी। जी नाज़रीन, इस वक्त हम रुके हैं स्टॉप किया नाश्ते के लिए। ये नकदर, नकदर नाला जगह का नाम है। और यहाँ के सीन देखें आप, ये जी हमारा नाश्ता आ गया माशाल्लाह। आज लड़कों ने मंगाए ये चने पराठे और साथ में गर्मा गर्म चाय। अच्छा, यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सर्दियों की सुबह हो, नवंबर की सुबह जैसे होती है ना, सेम वैसी है। ठंडक है और ये कोहरा सा जमा हुआ पहाड़ों पे, एक चादर सी।
अच्छा नाजरीन, ये केरल आ गया तो ये सामने इंडिया है और ये इस साइड पे हम हैं। ये दरिया के पार नाज़रीन ये इंडिया है, इंडिया मकबूजा कश्मीर। ये है नाज़रीन केरल। ये दरिया नीलम और ये सामने ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो उनकी तरफ से लोग आए हुए हैं। देखें ये उनके लोग खड़े हैं। दिल कहे रुक जा रे रुक जा, यहीं पे कहीं जो बात इस जगह है कहीं पर नहीं। माशाल्लाह लीजिए नाज़रीन, हम केरन सेक्टर में दाखिल हो चुके हैं और ये सामने जो आपको मकानात नज़र आ रहे हैं दरिया के पल्ली तरफ वो वाले, ये तमाम इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं। दरिया के इस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा हूँ आज़ाद कश्मीर और वो सामने इंडिया। और देखें नज़ारा, देखें नीचे नीलम दरिया शोर मचाता हुआ बिपरा हुआ दरिया नीलम। सामने जो दरिया के पल्ली तरफ जितना भी इलाका है ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है और ये इस तरफ आज़ाद कश्मीर। माशाल्लाह यार क्या खूबसूरत वैली है और जंगलात देखे घने दोनों साइडों पे, ये नहीं कि इंडिया साइड पे। सूरज निकल रहा है बादलों की और पहाड़ों की ओर से। ये है ये नीलम, देखिए गैप के बीच में से ना वो ऊपर जो मकान आप नजर आ रहे हैं वो भी इंडियन है, ऑक्यूपाइड कश्मीर। नाज़रीन लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों जानब जो आबादी है वो केरन ही कहलाती है। इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में गांव केरन का ज़िला कपवाड़ा है और आज़ाद कश्मीर में गांव केरन का ज़िला नीलम है। पाकिस्तानी साइड का केरन बहुत डेवलप्ड और एक बड़ा टूरिज्म पॉइंट है, जबकि इंडियन साइड के केरल में अभी डेवलपमेंट कम है और मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, लेकिन दोनों साइड के केरल में एक कदर मुश्तरक है और वो है दोनों केरल की खूबसूरती। माशाल्लाह यहाँ से चेक करें
ये होटल बना हुआ है, मीटअप कैफे। ये सामने जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है दरिया के पल्ली तरफ, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ये उनके ही ये कुछ पोस्ट की बनी हुई है आर्मी की। मैं जूम करता हूँ, वो जो पोल नज़र आ रहा है उसके साथ झंडा लटक रहा है इंडिया का। ये वो कुछ काम कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। ये जो लंबा पोल है इसके साथ जो है उनका परचम लटका हुआ है। दरमियान में ये बहता हुआ दरिया नीलम, और इस तरफ वो सामने अपर नीलम है। वो जो सामने ऊपर मकान आप नजर आ रहे हैं ये सारा अपर नीलम है। माशाल्लाह यार, क्या खूबसूरत इलाका, क्या खूबसूरत वादी है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, अगर मैं दिखा पाऊँ तो ये चेक करें, वो कोई कैंटीन कोई होटल बना है मकबूजा कश्मीर का ये, और वो लोग खड़े हैं होटल के बाहर। उसने जीन पहनी हुई है मेरा ख्याल है, एक ने वाइट शर्ट पहनी हुई है। ये इंडिया वाली साइड पे है, और ये उनकी पोस्ट भी बनी हुई है, और बीच में ये नीलम। अल्लाह जाने कहाँ से आता है पानी, ग्लेशियर पिघलते हैं या क्या होता है, अल्लाह आलम। इतना पानी जी। नाज़रीन, एक और चीज़ नज़र आई मुझे इंडिया वाली साइड पे, थोड़ा सा मैं आगे हो जाऊं और दिखा सकूं तो, वो सामने ग्राउंड सा बना हुआ है। ये लोग आए हुए हैं, ये देखें वो जा रहे हैं। वो सामने लोग फिर रहे हैं, वो भी उस तरफ से विजिटर आए हैं मेरा ख्याल है, नीलम वैली को विजिट करने के लिए। वो आगे भी कुछ जा रहे हैं। ये देखो, और ये उनका होटल है। ये इस तरफ है पाकिस्तानी परचम, आज़ाद कश्मीर का परचम, काफ़ी सारे परचम लहरा रहे हैं, और अल्लाह इन्हें ऐसे ही लहराता रखे। साथ ही एक रिजॉर्ट बना हुआ, होटल शोटल हैं। खूबसूरत इलाके, खूबसूरत वादियाँ, कश्मीर जन्नत नज़ीर। ये मेरी बैक साइड पे इंडिया, मकबूजा कश्मीर दरिया के पल्ली तरफ। ये इस वक्त सामने से सूरज तलू हो रहा है, धूप पड़ रही है। ये तो हो सेकंड टाइम है, तो फिर मज़ा है पिक्चर बनाने, मूवी बनाने का। ये है जी कैरन, वादिया नीलम का खूबसूरत तरीन इलाका। अच्छा, आजकल तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी वो सीज़ फायर की वजह से पीसफुल माहौल बना हुआ, शुक्र है परवरदिगार का। सीज़ फायर है काफ़ी अरसे से,
दोनों तरफ से लोग आते हैं। और ये मेरा प्यारा परचम, हमारा परचम, ये प्यारा परचम, ये परचमों में अजीम परचम, अता है रब्बे करीम परचम। अच्छा, मेरा एक ये जब से ये ट्रेंड मेरा बना ना व्लॉगिंग वाली साइड पे, तो मुख्तलिफ व्लॉगर्स के वो व्लॉग देखा करता था जो इस तरफ आए हैं, नीलम वैली आए हैं, कश्मीर के पूरा इलाका उन्होंने किया और दिखा रहे होते थे। एक ख्वाहिश शिद्दत से ये ख्वाहिश जन्म ली, पैदा हुई दिल में कि मैं भी जाऊं और इन इलाकों का विज़िट करूं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मैं अपनी जीती जागती आंखों से ये सब कुछ देख रहा हूँ। देखे माशाल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, तो फिर जल्दी से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इजहार कीजिए और जाने से पहले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। शुक्रिया, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।